फंसा हुआ है और पूरे बिहार की जनता का नजर इस पे है कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप ही के दम पे नीतीश कुमार इतना कुछ कर रहे हैं, कहा जा रहा है। देखिए, पता नहीं मीडिया को ज्यादा सूचना होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बिठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं, आपके नेता ने तो कह दिया है कि भाई दरवाजे पहले बंद थे लेकिन अब खुल गए हैं। अच्छा, उनके सोच में बड़े नेता हैं, उनके सोच में क्या रहा होगा मैं नहीं जानता। मैं कोई उनके ब्रेन मैपिंग नहीं किया हूं जो मैं कह दूं। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा, अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। दादा, आप मानते हैं कि देश में राममय माहौल हो चुका है? बिल्कुल राममय माहौल है। देश का सनातन जग चुका है। स्टालिन ने तमिलनाडु में प्रसारण पर रोक लगा दिया, पब्लिक हर शहर में सड़कों पर निकल गया। अब तो एक ही नारा सनातनी गाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये सनातनी लोग बोलना शुरू कर दिया उसी समय से। तो ऐसे लोग जो कल अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जो भगवान के खिलाफ बोलते रहे, जो मंदिर बोले कि अस्पताल जरूरी है, कि मंदिर जरूरी है कि अस्पताल जरूरी है, उनके साथ नीतीश कुमार रहे, तो वैसे अगर आपके पार्टी में आते हैं जो कि आना ही तय है, तो ऐसे में आपकी जनता को आपके लोगों का मॉरल डाउन नहीं हो रहा है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं अभी इस पर क्या कहूं। कैसे आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में आ रहा है या आएगा? जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव या कांग्रेस तीनों में कोई ना बोले कि मैं सरकार से हट गया, तभी न सरकार की बात होगी कि सरकार की स्थिति क्या होगी। यह टक्कर पछे 150 क्या है, ये तो मेरी समझ में नहीं है। जिनके समझ में है उनसे बात कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर बने। नाराजगी किस बात का कि दोनों में इतनी दुनिया क्यों आ गई? अब ये तो लालू यादव जी जानेंगे, नीतीश कुमार जानेंगे। मुझे तो सीधा दिखता है कि लालू जी ने जब यहां पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए, लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया न कोई विरोध किया, कोई विरोध तो नहीं किए लोग। तो ये बेचारे तो भारतीय जनता पार्टी से जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया। क्यों नहीं दुल्हा बना पे? बेचारे पुत्र मोह में हैं और बेटा को गद्दी पर बिठाने के लिए ही तो सारा चीज कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करें? हम पहले भी कहते थे 8-10 को एमएलए तो टहलते हुए आ जाएगा लालू जी के साथ, आज भी वो स्थिति है।
जेडीयू के कई विधायक ने अलग एक गुट बना के 8-10 कहा जा रहा है ऐसा सोच, उन्होंने बैठक की है क्योंकि वो नहीं चाहते नीतीश जी के साथ जाएं। मैं तो ये कह रहा हूं कि लालू जी इस बिहार में सबसे पहले पार्टियों को तोड़ने का काम किया था, तो अगर नीतीश जी के पार्टी को तोड़ना कहां है, उनके पार्टी से पैदल 10 गो चला आएगा उनके पास। इसलिए ये लालू जी और नीतीश जी में मैं कह रहा हूं छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए, हम भी रखे। आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है कि अगर सरकार नहीं बनाने की स्थिति में वो आ रही है, तेजस्वी यादव को नहीं बना पाएगी क्योंकि उनको ईडी सीबीआई बहुत तरह के मामले हैं, तो ऐसे में वो महादलित चेहरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। देना ही चाहिए, इसमें क्या हम क्या उनके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से न बन सके। देखिए नीतीश कुमार और लालू जी ये दो व्यक्ति हैं कि पद रहेगा तो राबड़ी के पास, अपद रहेगा तो नीतीश जी के पास। जीतन राम मांझी को बनाए थे ना नीतीश कुमार, कितना दिन रखे, लालू जी किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे फिर वही दुर्गति करेंगे जो नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी को किया। अंतिम सवाल दादा, बिहार में जो कुछ भी होगा आप लोग का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या चाहते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा नेता, बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़े नेता होने की वजह क्या चाहते हैं? कि आपको नहीं लगता कि अब बीजेपी इतनी सशक्त है बिहार में कि 2025 में खुद से सरकार बना ले? भाई 25 में चुनाव होगा, मेरी सरकार होगी, ये मैं आज कह रहा हूं कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को 25 में मौका देगी, 24 में भी देगी, 24 में देश में बनाने के लिए, 25 में बिहार में बनाने के लिए। हम तो मुख दर्शक हैं, देख रहा हूं क्या हो रहा है, हम भी आपके तरह नजर गड़ाए हैं। मैं बार बार कहता हूं कुर्सी के ये लालू जी जेल जा रहे थे, किसको दिया कुर्सी, राबड़ी जी को। नीतीश जी जब तक हम लोगों के साथ रहे तब तक लगा कि स्व है वो, जब बीजेपी को छोड़ दिया तो साथ में लड़े थे जनाधार, तो बना दिया जीतन राम मांझी को, लेकिन 6-8 महीना में फिर कहा हटो। जीतन राम मांझी का एक इंटरव्यू देख रहे थे किसी चैनल पर किसी पर, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो रबर स्टाम्प की तरह आता था, सूची बन के मंत्री ये दस्तखत कर दीजिए, कर दिया, सूची आता था कि ट्रांसफर कर दीजिए, कर देता था, लगा मुझे कि अखबार भी लिखने लगा कि रबर स्टाम्प। तब मैंने कहा कि सर ऐसे नहीं चलेगा, तब हटा दिए। तो ये लालू जी नीतीश जी कुर्सी को नहीं छोड़ सकते हैं, 90 से यही दोनों कुर्सी पकड़े हुए हैं। हर साल 2 साल के बाद नीतीश जी का अंतरात्मा जग जाता है, कभी आपके साथ रहते हैं तो उधर जाने के लिए जग जाता है, अब उधर है तो इधर कहते हैं कि जग गया, तो ये अंतरात्मा हर 2 साल ये व्याकुल आत्मा है।